अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जरा ऊंचा बोल रहे हैं ताकि सब तक आवाज पहुंच जाए। माइक कोशिश करें कि माइक बिल्कुल मुंह के पास हो ताकि आवाज प्रॉपर आती रहे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज इरम तालब। My roll number is 556. Today my topic of presentation is ecosystem change in succession. Means के हमने देखना है कि ecosystem में changes कैसे आ रही हैं succession में, ठीक है? Ecosystem basically क्या है? ये हमने देखना है। Ecosystem is a community of living things, living organism. यानी कि living organism का interact होना non-living things के साथ, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी का। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये हो गया इकोसिस्टम। आपकी आवाज, आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत, जैसे वो था कल दुरेस पीन चुके और जैसे बच्चों ने स्पेक्ट किया कि आवाज कम है, आपकी आवाज बहुत कम है, आपकी आवाज भी बहुत कम है। कोशिश करें कि माइक बिल्कुल मुंह के पास हो या फिर थोड़ा ऊंचा बोलें। जी सर। इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली आ रही हैं, ठीक है, मुसलसल आते रहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस चेंज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ द स्पीशीज इन द कम्युनिटी। मीन्स कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं स्पीशीज की, दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्लेस होती हैं, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है। और जो सक्सेशन होती है ना, उससे डिकेड्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ वन काइंड ऑफ कम्युनिटी विद एन अदर। मीन्स कि एक कम्युनिटी को चेंज करना किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ, इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसमें जैसे कि ये क्लोनाइजर है, ये जैसे कि एक बेयर रॉक्स है, उसके ऊपर जब जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा वो पैच में रहेगा, मीन्स क्लोनिस में आएगा। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव ऑन बेयर रॉक्स सिंस इट स्टोर लिटल वाटर and has few available nutrients. Clones like mosses start to erode rocks and so form a thin soil. जो सबसे पहले organisms आएंगे rocks के ऊपर, उसे हम pioneer organisms कहेंगे, ठीक है? और जो final stage होगी उसे हम climax community कहेंगे। Succession end with, यानी कि succession तब end हो जाता है, climax community जब आ जाती है environment में। अब हमें देखना है कि व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स कॉजिंग द इकोसिस्टम चेंजेस, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और कौन से फैक्टर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कुछ तो नेचुरल होंगे और कुछ जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर होंगे, यानी कि कुछ तो कुदरती होंगे जिन्हें नेचर डिस्टर्ब कर रही है और कुछ जो ह्यूमन के होंगे जिन्हें हम खुद डिस्टर्ब करते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि नेचर कैसे डिस्टर्ब कर रही है और ह्यूमन कैसे कर रहे हैं। चेंजेस कम नेचरली, यानी कि जो चेंजेस नेचर की वजह से आ रहे हैं वो कैसे आ रही हैं। नेचुरल इवेंट्स दैट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचर में हमारा जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कर रही है नेचर, वो कैसे कर रही है, कौन से इवेंट अक्कर हो रहे हैं। वो इवेंट है फ्लड, यानी कि सैलाब आ सकता है। जब सैलाब आएगा तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारे मवेशी तबाह हो जाएंगे, इस तरह ये नेचुरल डिजास्टर होंगे। अर्थक्वेक, जलजला आएगा, जमीन में दरारें पड़ जाएंगी, इसमें फट जाएगी। वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशबाजी, ड्राउट, कहत साली, खुश्क साली, कहत आ जाएगा। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। और हरिकॉन्स मीन्स समुद्री तूफान। इवेंट्स डेट अक्कर स्लोली, और जो से इवेंट जो नेचुरली है लेकिन होते बहुत आहिस्ता आहिस्ते हैं, वो है आइस एज और वॉल्केनिक इरप्शन। और जो ह्यूमन चेंजेस है ना इन्वायरमेंट में, वो है सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। मीन्स के ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे एनवायरनमेंट को, मीन्स के ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसमें सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है कानकनी करना, मीन्स के खुदाई करना, जैसे कि नमक की कान है वहाँ पे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर गैसेस वगैरह फैल जाती हैं जो ह्यूमन पर भी इफेक्ट करती हैं। पीपल मीनिंग कोल टू गेट एनर्जी, यानी कि लोग जो है वो कोयला हासिल करने के लिए मीनिंग करते हैं। ओपन पिट मीनिंग किल ऑल द प्लांट लिविंग इन दिस एरिया। बर्निंग कोल फॉर एनर्जी इज हार्मफुल टू आवर एयर।
कटिंग डाउन ट्री यानी कि सेकंड जो है वो लोग दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं अपनी रहाइश के लिए, रहने सहने के लिए, या फिर लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए, फर्नीचर के लिए. ऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली लिव इन द फॉरेस्ट मस्ट मूव और डाई, इफेक्ट कॉल्ड द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ये शोर किसका आ रहा है, ये अपना माइक ऑफ कर ले. हेलो, कटिंग डाउन ट्रीज वेस्ट, पीपल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर वो ज़मीन पर पड़ा रहता है, उसकी वजह से भी काफ़ी गंदगी फैल जाती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट है ना जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स के पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है. इससे ह्यूमन खुद भी इफेक्ट होता है और साथ में जो एनिमल्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, और फिर इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, कुछ बहुत ज़्यादा डिजीज भी काज होती हैं. नेक्स्ट है लॉगिंग एंड मीनिंग प्रॉब्लम. लॉगिंग एंड मीनिंग हैज डिस्ट्रॉयड मैनी हैबिटेट स्टेटवाइड. टिम्बर एक्सट्रैक्शन इंक्रीज एरोजन एंड सेडिमेंट इन वाटरवे. एसिड मीनिंग रेन एसिडिफाइड वाटरवे. अब सक्सेशन एंड चेंजेस इन इकोसिस्टम. सक्सेशन क्या है? सक्सेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन्स आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है कुछ स्पीशीज के दरमियान, ठीक है, विद इन एन इकोसिस्टम रिप्लेस बाय अदर स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरी स्पीशीज के साथ, और जो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है जिसे हम सक्सेशन कहते हैं. प्राइमरी सक्सेशन इस जगह पर होगा जहाँ पर पहले कोई चीज नहीं है, ठीक है, जैसे कि रॉकी स्लोप. ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट अपीयर आर दोस दैट कैन क्लिंग टू रॉक एंड ग्रो सच एज मॉसेस एंड लाइकेन. द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द रॉक एंड डाई, यानी कि जो मॉसेस और लाइकन्स जो फर्स्ट आएंगे ना बेयर रॉक्स के ऊपर, ये रॉक को तोड़ देंगे और फिर इससे नेक्स्ट जो स्पीशी होगी वो ग्रो करेगी. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन को देखें कि lichens produce acids that help to break down the rocks. The broken down rocks and decomposing body of dead lichen contribute to soil formation. Means कि जब एक bare rock है उसके ऊपर lichens आएंगे, lichens जब grow करना शुरू कर देंगे वो rock को कमजोर कर देंगे, फिर rock जो है ना break down होना शुरू हो जाएगा, फिर वो convert होना शुरू होगी soil में, thin soil में, means कि ऐसे soil में जिसके अंदर अभी means कि कोई nutrient, कोई minerals वगैरह नहीं है. The resulting soil is poor and thin. However, mosses and ferns grow and slowly replace the lichen. Means the lichens के बाद जो आएंगे वो mosses और ferns होंगे. और सी वाली डायग्राम में देखें कि soil layer thickened. अब soil की जो layer है ना वो thickened होती जा रही है. Which means it can hold water. मतलब कि वो अपने अंदर पानी को जज़ब कर सकती है, nutrients को रख सकती है. फिर next जो species आएगी हर shrubs, उनके लिए ये जो soil होगी ना वो suitable होगी. वहाँ पर ग्रासेस, फ्लावरिंग प्लेट्स टेक रूट एंड ग्रो. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सच एज बी एंड बटरफ्लाइज. डी वाली डायग्राम में है, सच द सोइल इज नॉट थिकर एंड रिच बशेस एंड ट्री टेक रूट्स. मीन्स की अब जो फाइनल स्टेज होगी ना सक्सेशन की, मीन्स को जो चेंजेस आ रही हैं वो मीन्स के अब आ जाएगी लास्ट स्टेज, इनके क्लाइमेक्स कम्युनिटी ट्रीज बन जाएंगे और ट्रीज से पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा. जब फॉरेस्ट बन जाएगा तो वहाँ पर एनिमल्स आकर रहेंगे. मीन्स के ये एक गुड चेंज है इकोसिस्टम में, एनिमल्स रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, तो इस तरह ये लास्ट स्टेज है सक्सेशन में चेंजेस की. अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी आपको नजर आ रहा है, पहले एक बेयर रॉक है जो पीछे मैंने आपको समझाया, फिर मीन्स के वहाँ पर फर्स्ट स्टेज लाइकन्स की आएगी, फिर मॉसेस एंड फर्न्स, हर्ब श्रब्स, फिर उसके बाद फाइनली एक फॉरेस्ट बन जाएगा. पहले तो बिल्कुल सिंपल प्लेन जगह थी, बेयर रॉक्स था, फिर उसके बाद एक पूरी एक इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पर एनिमल्स भी रह रहे हैं, बर्ड्स भी, ट्रीज भी, पूरा फॉरेस्ट बन गया है. अब कौन से ऐसे चेंजेस है जो काज होती हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से? फॉरेस्ट्री, ट्रीज आर कट डाउन, यानी कि हम दरख्तों को काट देते हैं रोड्स बनाने के लिए, अपनी रहायशगाह बनाने के लिए, तो ये बैड है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए. इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, बहुत सा माल ऐसा यूज़ करते हैं जो कि पोल्यूशन काज करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. ट्रांसपोर्टेशन, रोड
change nature habit. Animals are hit by vehicles, pollution occurs. Urban development habitat is destroyed, people move in and pollution is increased. Construction, raw materials use habitat is destroyed. Farming, habitat is destroyed, chemicals are used, waste produce, products are produced. मीन्स के जो हम फसलों में आजकल हम खाद यूज कर रहे हैं वो जो परिंदे हैं जो खा लेते थे पहले दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को तो अब वो नहीं खा सकते क्योंकि उनमें केमिकल्स शामिल हो गया. अब जब वो उन्हें खाएंगे तो फिर वो मर जाएंगे. इस तरह इनका भी फिर हैबिटेट डिस्टर्ब होगा. तो इसलिए ये हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज. अब देखेंगे जब इकोसिस्टम चेंज होगा ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिस्टर्ब होंगे अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबल. कुछ जो स्पीशीज हैं जैसे कि पार्बलर स्पीशीज हैं बर्ड्स की इनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा. ये डिस्लाइन होना शुरू हो जाएंगे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. जब इनको इनके जैसा माहौल ही नहीं मिलेगा रहने का तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है कॉबर्ड की एग्जाम्पल ऐसे है. ये जो कॉबर्ड है ना ये एक नोटेरियस ब्रूड पैरासाइट है. मीन्स कि ये एक ऐसे किसी और स्पीशीज की नेस्ट में अपने एग को ले करते हैं अपने होस्ट के. मीन्स जो होस्ट होता है वहाँ पर और जो होस्ट होता है ना वो इसे इनको इसके एग्स को इनक्यूबेट करता है. खुद नहीं ये करता खुद ये जस्ट एग ले करता है और चले जाता है. और जो होस्ट होता है ना वो इसके एग को मीन्स इनक्यूबेट करता है और फिर इसकी नॉरिश करता है फीडिंग करता है. और जो कॉबर्ड का जो एग होता है ना ये मीन्स के एक दिन पहले मीन्स के हैच हो जाता है जिसे फिर जो होस्ट बर्ड होता है ना वो उसे फीड करवाता है एज कम्पेयर टू अदर एग्स. ठीक है मीन्स की इस तरह ये कॉबर्ड का जो होंगे यंग वंस वो ज्यादा फीडिंग कर लेंगे वो अपने एनवायरमेंट में ज्यादा फिट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर होस्ट यंग वंस. इसी तरह ये इकोसिस्टम में बेस्ट रहेंगे. थैंक यू क्लास. सर जी सर जी जी राम बताइए. हाँ जी मैं ब्रिशिज अनम्यूट हुआ तो विराम लाइव हो गई है. अनम्यूट करें अपने आप को. सर जी खत्म हो गई है. खत्म हो गई है जी. मैं अलाउ कर रहा हूँ जी सबको अनम्यूट होना अगर कोई सवाल पूछ. वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. आज चूंकि फ्राइडे था जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सर हम मैंने मीट का सिलेबस बताना था जो हमने डिसाइड किया है हाफ वाला. बताएं सर वो जो टॉपिक है ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाली सारी हेडिंग वो वाली सिर्फ पोल्यूशन. मैंने पोल्यूशन मैंने इसलिए कहा था ना कि जो मैंने शुरू में पढ़ाया मैंने पोल्यूशन तकरीबन 60% पढ़ा के इसको स्टॉप कर दिया था और फिर इनिशियल चैप्टर जो है वो करवाए थे इसलिए करवाए थे ताकि सिलेबस दोनों साइड से कवर अप हो जाए. वो उसकी ये वजह थी. सर हम लोग ये पूरा कर लेंगे. नहीं मैंने इसलिए मैंने कहा ना कि जो मैंने पहले पढ़ाया था पहले इसलिए मैंने पोल्यूशन को तकरीबन 60% पे ला के स्टॉप कर दिया था और फिर मैंने उसमें इनिशियल चैप्टर पहले पढ़ा दिए थे फिर उसके बाद बाकी को बाद में कम्प्लीट किया. इसलिए था कि ताकि दोनों तरफ से चूँकि पोल्यूशन खुद बहुत बड़ा है लेकिन सिलेबस के तमाम पार्ट्स कवर होना चाहिए. उसकी ये वजह थी. एक बार फिर एक्सेप्ट करें कि क्लास से डिस्कस कर लें क्लास से सबसे डिस्कस कर लें और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता दें कि ये ऐसे मैंने उसी जैसे ऐसे किया था. सर वो कह रहे हैं कि फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा अगर हम पीछे से भी करेंगे और पोल्यूशन वाला भी. मिक्सअप तो नहीं होता वो हर चीज़ अपनी जगह पे है इंडिपेंडेंट है. चलिए पहले अभी बस वही दे देना फिर हमारा एक कवर. अभी टाइम बहुत सारा है टाइम बहुत है अभी बहुत जल्दी नहीं है हमें कोई भी क्योंकि इसको आराम से कॉलेज खोलेंगे. चलिए जी बहरा अब टाइम खत्म हो रहा है तो इसलिए अल्लाह हाफिज़.